अगर ये नहीं चला तो आई हैव टू कम्प्लीटली क्विट माई यूट्यूब चैनल एंड आई हैव टू फोकस ऑन बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास स्वाई एंड आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकास स्वाई व्लॉग्स में। आज कुछ मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना है, कुछ चीज आप लोगों को बताना है आगे मैं क्या सोच रहा हूं। एंड क्योंकि अभी मेरा थोड़ा दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम है ऑन माय बिजनेस एंड मुझे उतना ग्रोथ जो है यूट्यूब से भी नहीं मिल रहा है, तो आई एम थिंकिंग वेदर टू स्टॉप इट, वेदर टू क्विट यूट्यूब और टोटली फोकस ऑन माय बिजनेस और क्या करना है। आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड, बट उसके पीछे डिस्कशन चल रहा है बहुत कुछ। मैं नए चीज के ऊपर सोच रहा हूँ, वो सारा चीज मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट दिखाइए ताकि हम भी दूसरे क्रिएटर्स की तरह आप लोगों को एंटरटेन कर सके एंड आप लोगों को हमारे वीडियोस के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड हमारे डेली लाइफ के थ्रू आप लोगों को एक लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी दिखा सके। तो गाइस, ऐसा प्रॉब्लम है कि आप लोगों को भी पता है मैं 1-2 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ एंड मेरे व्लॉग्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ व्लॉग्स मेरे वायरल भी गए हुए हैं। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं इंडिया में, तो रेगुलर व्लॉग्स एंड वो सब से आप लोगों को उतना ज़्यादा रीच नहीं पहुँच रहा है, लोगों तक ही नहीं पहुँच रहा है व्लॉग्स। तो क्योंकि मेरा डेली व्लॉग नहीं है, मेरा ऑन मंथली बेसिस 3-4 व्लॉग्स आते हैं एंड तो मेरे को उतना रीच जो है यूट्यूब की तरफ से नहीं मिल रहा है, ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं डेली व्लॉग के ऊपर कुछ सोचूं तो मे बी वो मेरे चैनल के लिए काम आ सके, बिकॉज आज के टाइम पे डेली व्लॉगर्स जो हैं कंसिस्टेंटली जो ब्लॉग रेगुलरली जो ब्लॉग्स डालते हैं वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड सर्टन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को वो ब्लॉग रीच करता है एंड उनको जो है रेगुलर ग्रोथ मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं डेली ब्लॉग के ऊपर शिफ्ट करूं तो आई थिंक ये चैनल भी ग्रो होगा एंड आई विल हैव अ सर्टन कनेक्शन विद माय ऑडियंस एंड हमें भी उतना ही अच्छा रीच मिलेगा दूसरे बड़े यूट्यूबर्स की तरह। तो मैं उस पर सोच रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में आपको एक वीडियोस के थ्रू बताऊंगा कि मेरा क्या प्लान है आगे का। लेकिन इन द सर्टन टाइम एक तो आपको यूट्यूब से उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, प्लस मेरा जो बिजनेस है आप लोगों को भी पता है मैं एक मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, वहाँ पे भी टीम के चलते कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहाँ पे भी उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं एक बहुत बड़ा एक थिंकिंग में फंसा हुआ हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई फील्ड में उतरता हूँ, स्पेशली इन द क्रिएटिव फील्ड, तो मैं उसको एक लंबा टाइम देता हूँ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं डेली व्लॉग में शिफ्ट करता हूँ तो आप लोगों को भी एक डेली व्लॉग के थ्रू एंटरटेन कर पाऊंगा एंड आप लोगों के अलावा मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आगे इसको हम कंसिस्टेंटली कर सकते हैं एंड उससे मोटिवेशन भी एक मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग में शिफ्ट करूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आऊँ, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगा वीडियोज़ को शेयर करने में, वीडियोज़ को देखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को वीडियोस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा लगता है या फिर कोई फीडबैक है उसके थ्रू मेरे को बताइए। मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं क्वालिटी वर्क आपको दूं, मैं आजकल 4K में व्लॉग अपलोड कर रहा हूं, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगे एंड नए लोगों तक भी हमारे ब्लॉग पहुँचे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अभी तक थोड़ा सा मैं डीमोटिवेटेड हूँ हमारे यूट्यूब चैनल्स को लेके, मेरा एक मेन चैनल भी है वो भी मोनेटाइज था, वो डीमोनेटाइज हो गया, देन उसके बाद मेरा ये चैनल व्लॉग चैनल 1-2 वीडियोस वायरल भी गए हुए हैं 18-20 के, लेकिन उसके बाद कुछ व्लॉग्स के व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं जिसमें हमने दूर दूर ट्रैवल किया हुआ है।
तो ये एक डीमोटिवेशन होता है, लेकिन आई नो कि एक पेशेंस रखना होता है, एक कंसिस्टेंसी रखना होता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ डेली व्लॉग का, मैं एक दो दिन में एक व्लॉग डालूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने आगे के लिए क्या फाइनल किया है। एंड मैं इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा हूँ हर एक चीज़ को, अपना 110% दूंगा एंड देखूंगा कि क्या मेरे किस्मत में लिखा हुआ है थ्रू कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज आई लव इट। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए या फिर फेम के लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ, बट अगर ऐसे ही करना होता तो आई लव टू गो फॉर प्लेसमेंट्स एंड एनी अदर थिंग, बट मुझे एक्चुअली एक क्रिएशंस के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू बहुत ज़्यादा लव है। मेरे सर्कल्स में जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ पता होगा कि मैं बचपन से ये चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि क्रिएटिविटी एक इंसान में होना चाहिए, जिससे कि आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सको, दूसरे लोगों को एंटरटेन कर सको। तो आई होप कि आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा मेरे को, बट आई डोंट नो क्या होगा आगे क्या नहीं। अगर ये नहीं चला तो आई हैव टू कम्प्लीटली क्विट माई यूट्यूब चैनल एंड आई हैव टू फोकस ऑन बिजनेस और जॉब जो भी है, लेकिन मैं एक फाइनल ट्राई देने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग भी सपोर्ट करोगे, जो नए ऑडियंस देख रहे हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा मेरे को, तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड लोगों को शेयर कीजिए, देखिए व्लॉग्स एंड फीडबैक है, फीडबैक कमेंट सेक्शन पे दीजिए। एंड मुझे एक फाइनल कॉल लेने में इजी होगा एंड मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंस तो अपने में रखता हूँ कि अगर मैं डेली व्लॉग पे आऊँगा तो आपको एंटरटेन तो ज़रूर करूँगा ना, आपको बहुत सारे नए चीज़ के बारे में पता चलेगा एंड आप मेरे व्लॉग देख के इंजॉय करोगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप मेरे बात को समझो एंड मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत होगा। एंड दूसरा चीज, नेक्स्ट वन ईयर में अगर ये डेली व्लॉग चलता है तो आई प्रॉमिस यू आप लोग मेरे चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा प्राउड करोगे, आप लोगों को मज़ा आएगा एंड आपके हेल्प के थ्रू विकास स्वाई भी एक दिन एक अच्छे मुकाम तक पहुँच सकता है। थैंक यू सो मच एंड रखते हैं इसी व्लॉग को यहीं पे, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड एक दो दिन में मैं एक व्लॉग डालने वाला हूँ, उसमें मैं बता दूंगा कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।